सब्सक्राइब कीजिए माई हेल्प केयर यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जानकारी सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। जियो का 1 GB डाटा ख़त्म हो जाने के बाद इंटरनेट की स्पीड लगभग 20 KB या 18 KB के आसपास रह जाती है। उस स्थिति में डाउनलोड तो होता ही नहीं है, लेकिन YouTube का वीडियो चल जाता है। दोस्तों, आपको लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल सच है। YouTube का वीडियो आप चला सकते हैं, ऑनलाइन आसानी से प्ले कर सकते हैं, उस स्पीड में भी आप चला सकते हैं और बिना बफरिंग के एकदम आराम से चलेगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। पूरा वीडियो आप देख सकते हैं और अच्छा खासा स्पीड आपको मिल जाएगा YouTube के वीडियो को चलाने में। तो अगर जानना चाहते हैं इस जानकारी को तो देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक और मैं बताऊँगा पूरी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं YouTube का चैनल माई हेल्प केयर। तो चलिए सीख लेते हैं इस जानकारी को। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां से जाकर एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसे इंस्टॉल कर लीजिए और उसका नाम है UC Mini by S, ऐसा कुछ एप्लीकेशन आएगा। ये मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखा है, UC ब्राउज़र ऑफ कूल्स ट्रिक APK ऐसा एप्लीकेशन होगा, उसे वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। और जब उसे ओपन कीजिएगा तो इस तरह से काला रंग का इसका जो लॉगो बना हुआ है UC Mini by ASSSH ऐसा है, इसे इंस्टॉल कीजिएगा तो इसका जो लुक है वो बिल्कुल UC ब्राउज़र की तरह ही है, एकदम UC ब्राउज़र का ही लुक है। लेकिन जो भी बनाया है बहुत काम का ऐप ये बनाया है, बहुत अच्छा YouTube का वीडियो इसमें चलता है। तो ये रहा इसका लॉगो, दिख रहा है इसका आइकन, इसे मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, ये UC ब्राउज़र खुल गया है, UC ब्राउज़र का ही लुक है। तो आपको यहाँ खोलने के बाद YouTube में नहीं जाना है, बिल्कुल भी YouTube में नहीं जाना, नहीं तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा। अब पता नहीं क्यों यहाँ से नहीं चलता है, लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा कीजिएगा, YouTube में मत जाइएगा। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा 1 GB डाटा ख़त्म हो चुका है, आप देख सकते हैं स्पीड 256 MB/s, और जो डाटा मेरा खर्च है वो यहाँ पर लिख रहा 1.06 GB, कहने का मतलब 1 GB डाटा ख़त्म हो चुका है। मेरा जो स्पीड है वो लगभग 20 के आसपास हो गया है, 20 KB/s का। चलिए मैं एक वीडियो प्ले करके आपको दिखाता हूँ। आपको गूगल में जाना है, गूगल का पेज खोलना है, फिर इसमें YouTube सर्च करना है, YouTube लिख के सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद शुरू में YouTube जो आ रहा है उसे क्लिक कीजिए। अब क्लिक करने के बाद आपको जो वीडियो चलाना है आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए। चलिए मैं कुछ लिख के यहाँ सर्च करता हूँ, मैं फ़िलहाल गोविंदा सॉन्ग लिख रहा हूँ, इसे सर्च करता हूँ, सर्च हो गया। अब कोई भी वीडियो आसानी से यहाँ से चल जाएगा, आप प्ले कर सकते हैं। कोई अच्छा सा गाना मैं ढूंढ लेता हूँ, चलिए मैं यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ। लेकिन साउंड आपको सुनाई इसलिए नहीं देगा क्योंकि मैंने माइक्रोफोन लगा रखा है, लेकिन वीडियो चलेगी। मैं यहाँ क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद वॉच वीडियो पर आपको क्लिक करना है, बस ये वीडियो आपको थोड़ा देर में चलने लगेगा। देखिए ये वीडियो प्ले हो रही है, आप देख सकते हैं वीडियो प्ले हो रही है। साउंड आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि मैंने माइक्रोफोन लगा रखा है। आप स्पीड देखना चाहते हैं तो ऊपर से स्पीड देख सकते हैं, स्पीड 10 KB, 14 KB, 12 KB, 9 KB, यही है स्पीड। लेकिन वीडियो आसानी से यहाँ से प्ले हो जा रही है, कोई भी वीडियो आप प्ले कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही आप प्ले कीजिएगा, आराम से चल रहा है। थोड़ा सा क्वालिटी इसका ख़राब रहेगा क्योंकि कंप्रेस करके एकदम इसका जो लो कैटेगरी में वीडियो को चलाया जा रहा है, लेकिन काम तो चल जा रहा है ना, जहाँ पे ना है वहाँ पे हाँ तो हो जा रहा है, काम तो निकल जा रहा है मेरा, YouTube का वीडियो आसानी से देख पा रहा है। कोई दूसरा वीडियो को लेते हैं, कोई भी वीडियो यहाँ पे चलेगा आसानी से। मैं यहाँ पे क्लिक किया और वॉच वीडियो पर फिर यहाँ से क्लिक कर दिया, देखिए कितना जल्दी चलने लगता है ये। शुरू में थोड़ा सा क्वालिटी अच्छा नहीं रहता, उसके बाद 2-3 सेकेंड के बाद सब ठीक हो जाता है, बस ये वीडियो प्ले हो गया, चल रहा है। अब मैं बाहर निकल जाता हूँ। तो दोस्तों ये था मेरा ट्रिक आज का, उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी ये पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस तरह का मज़ा उठा सकें, उनका 1 GB डाटा ख़त्म हो गया हो तो आसानी से YouTube का वीडियो देख सकें। और अभी तक आप माई हेल्प केयर को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। और एक चीज़ और, अगर आपके दिमाग में कुछ
प्रश्न चल रहा हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, उसका जवाब बहुत जल्द ही यहाँ पर मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपका इतना हेल्प किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नई नई टेक वीडियो इस चैनल पर मैं रोज़ाना अपलोड करते रहता हूँ, जो कि काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।